महाराष्ट्र 7 TV में आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की। गरीबों को ठगने वाला MAS हज उमरा टूर्स नामक से रहे सावधान, पूरे देश में अपनी फर्जी कंपनी चला रहे हैं और गरीब जनता को सऊदी दुबई काम पर भेजने के नाम पर पैसे लेकर ठगी कर रहे हैं। यह खबर के साथ साथ आप लोगों के लिए एक जनहित में संदेश भी महाराष्ट्र 7 TV की तरफ से है। जी हाँ, मुंबई टू बैंगलोर और बैंगलोर टू दुबई का यह विदेश भेजने का रैकेट हज के दौरान खिदमत करने के नाम पर गरीबों को लूटने का, ठगी करने का काम कर रहे हैं। करोड़ों की ठगी का खेल अब मुंब्रा पुलिस तक स्थानीय नेता अशरफ शानू पठान द्वारा उजागर किया गया। देखना यह होगा कि इस रैकेट में मुंब्रा के कितने शातिर हैं और मुंब्रा पुलिस इस खेल को कब तक खत्म करती है। एक ठग का नाम आदल नामक है, जो अपने इंस्टाग्राम पर विज्ञापन डालकर पूरे महाराष्ट्र के कोने कोने से गरीब लोगों से ठगी करने का कार्य कर रहा है। पीड़ित लोगों ने मुंब्रा के डैशिंग पूर्व राकांपा के नगर सेवक शानू पठान का सहारा लिया और मुंब्रा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करने पहुंचे। करीब 950 लोगों से लिए करोड़ों, ना मिली नौकरी ना मिला पैसा, आखिर मामला पहुंचा मुंब्रा पुलिस स्टेशन। मुंब्रा पुलिस स्टेशन आए, क्या मामला है? ऐसा है ना कि मुंब्रा कोसा के अंदर एक पूरी गैंग है जो महाराष्ट्र के, अभी तक जो हमें जानकारी मिली 968 लोगों का हज के नाम पे खिदमत को लेके जाएंगे ऐसा करके फ्रॉड किया। ये एक पूरी गैंग है जिसमें कई लोग मुंब्रा के, और महाराष्ट्र के 968 लोगों में 350 लोग जो है रेसिडेंट वो मुंब्रा के ही है, रहवासी भी मुंब्रा के, और जिसने फ्रॉड किया वो पूरी गैंग में से आधे लोग मुंब्रा के। कितना पैसा लिया एक एक आदमी से? 65,000 50,000 अभी तक जितना मिला, और सब पैसा अकाउंट में लिया है, कई कैश लिया है, बहुत करोड़ों रुपए का ये घोटाला है। इसमें मतलब मुंब्रा के कुछ है चीटर शामिल है? मुंब्रा के कुछ गैंग चीटर शामिल है जिसकी डिटेल अभी हमने सब लेके आए। ये सारी डिटेल ये है मुंब्रा पुलिस स्टेशन के अंदर, ये जितने भी लोगों का पैसा लिया है वो सब अभी आ रहे एक FIR दाखिल करने के लिए, ताकि ऐसे जो लोग हैं जो हज के नाम पे भी लोगों को छोड़ा नहीं जा रहा जिनका, वो उनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी। आपके माध्यम से मुंब्रा कोसा की जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ, ऐसे फ्रॉडों को आप बिना जानकारी किए हुए कोई भी चीज़ का पैसा ना दीजिए। पहले MBC में, सऊदी एयरलाइंस में आप चेक करिए, दुबई के लोग हैं तो दुबई में चेक करिए, जहाँ भी आपको भेजा जा रहा है उसकी एम्बेसी पे चेक करके के वहाँ पे लेके जाने के लिए ऑफिशियली है, इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। आप ऐसे ही अपना पैसा ना दे दे, ऐसे ही लोगों का ये पैसा लेके जाके आज करोड़ों रुपए का घोटाला है। इनका कोई ऑफिस वगैरह है? कहीं ऑफिस में बैठते थे कि मतलब कहाँ पे लोगों ने इनसे संपर्क किया? शादी महल हॉल के अंदर इनको बुलाया जाता था। अच्छा, बराबर। वो कोई कोई पीड़िता है उनसे बात कराएंगे आप जिससे उन्होंने पैसा लिया हो? जी बोलिए। उन्होंने हम लोग से हज का खिदमत का उनके पैसा लिए। अच्छा। और उनके साथ में उनकी बहन, उनकी भाई और वो लोग शामिल है, और भी केरला के लोग है, बेंगलोर के लोग। उनका नाम क्या है, कहाँ पे रहते हैं? आदिल है, उनकी बहन का नाम फरद है, उनके भाईजान का नाम मुझे रफत है, उनके भाईजान का नाम मुझे मालूम नहीं है, शाहनवाज नाम है उनकी। अच्छा, आदिल कहाँ पे रहता है? आदिल यहाँ मुंब्रा में रहता है। अच्छा, तो उनके साथ और कुछ लोग इस गैंग में शामिल हैं? और बहुत सारे जने पर यहाँ नहीं है, बहुत सारे लोग मुंब्रा के बाहर के, और हम लोग मुंब्रा के हैं और मुंब्रा के बाहर के भी, बाकी बहुत सारे लोग बैंगलोर के। ऑफिस का नाम है, वो ऑफिस का नाम क्या है जी? आप लोगों की उनसे कैसा पहचान हुई आप लोगों को? ये ऑफिस खुल रही है अभी? ये ऑफिस खुल रही है? नहीं, बंद हो गई। शानू भाई, पुलिस स्टेशन में आप आए थे, सीनियर पे ऐसे बात हुई थी, क्या कहेंगे अभी? मैं एक बात करता हूँ, अभी तक चंद घंटों में, चंद दिनों में, मतलब 2-4 दिन के अंदर में 900 के ऊपर लोग मिले। ये महाराष्ट्र में अगर ये बात आपके माध्यम से पहुंची के जाएंगे तो मुझे यकीन है और बहुत सारे लोग आएंगे। बराबर ना? क्योंकि ये जो बोल रहे हैं यहाँ से लेके बैंगलोर तक, बैंगलोर तक के लोग शामिल है, तो ये एक पार्ट उसमें मुंब्रा का है, तो इसीलिए मुंब्रा पुलिस स्टेशन इसके ऊपर जांच करके तुरंत FIR करने की हमने बोला है। मैंने DCP साहब, सीनियर साहब से सभी लोगों से बात किया है, तो हम लोग ने इनको अभी ये लेटर और सब पुरावे दे रहे, इनको ये बोला, इन्होंने आश्वासन दिया हमको पुलिस ने
कि हम लोग तुरंत इसके ऊपर गुनाह दाखिल कर रहे हैं। कुछ पासपोर्ट वगैरह भी लिया है आप लोगों का? उन लोगों ने अच्छा सिर्फ टाइम पे टाइम दे रहे थे वो। आपने कैश दिया कि मतलब ऑनलाइन पेमेंट किया है ना? क्या पैकेज बताओ। और मुमरा पुलिस स्टेशन में आप आए थे, क्या मामला है? मेरा नाम अरबाज है, सैयद अरबाज है। हमने आज खिदमत में फरवरी के महीने में पैसे दिए थे 40-40 हज़ार। हमको घुमाया गया 2-3 महीने तक के कंटिन्यू की भेजेंगे। बाद में बोला गया फ्रॉडिंग वो हो चुका है अभी, लेकिन बोले फिर बाद में बोला गया 1-1.5 महीने थे कि हम रिफंड करेंगे। रिफंड के नाम पे जितने भी थे जिनको दिए थे हमने, यहाँ का जो रहवासी आदिल उसका मारेम ब्लॉक से उसका नेक्स्ट इस पे उसको देख कर आए, हमने उसको दिए थे। वो बोलता है कि अब वो भी भाग गया है, उसी के ताल्लुक से हम लोग इधर आए थे कम्प्लेन डालने। आपकी मुलाकात आदिल से किसने कराई थी और अभी तक के कितने लोग फंसे हुए आपके साथ वाले? हमारे हमने उसका इंस्टाग्राम पे एक पेज है, उसको हम पहले से फॉलो करते थे, पहले से पब्लिक को भेजता था बाहर ऐसा टूरिज्म के इसके, और हमने उसके थ्रू आए थे हम लोग इधर, उसको दिए हमने पैसे। कितनी पगार की बात हुई थी और कितने दिन में भेजने की बात हुई थी? 10 दिन में बोला गया था तुम्हारा टिकट वीजा आएगा उसके ऊपर टिकट, मतलब 15 दिन में हमारे भेज देंगे बोले थे, और कुछ 2400 रियाल यहाँ के इंडिया के कुछ 50-1000 होते हैं, 3 महीने में तुम्हें 50,000 करा के प्लस में लास्ट के 10 दिन तुमको टूरिज्म कराया जाएगा बोले थे, और उमरा तुम खुद कर सकते हो फ्री में ऐसा बोला गया। अभी मुमरा पुलिस स्टेशन में आप आए हो, क्या आश्वासन मिला है पुलिस स्टेशन में? बोले सीनियर सर ने कि देखते हैं अभी उसके नाम के FIR वगैरह सब करें और ट्रेसिंग करेंगे, बोले किधर छुपे बैठे उसको निकालेंगे बाहर, उससे जो भी है आपका रिफंड का मामला देखेंगे सामने से लेंगे, उसने किधर कैसा रखा है पैसा क्या किया है पहले उसको सब करेंगे आपको देंगे बोले। शानू भाई भी आए थे, शानू पटंग थ्रू आए हमने।